हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही इजी एंड सिंपल स्वेटर कार्डिगन डिज़ाइन। आप इसे स्वेटर कार्डिगन शॉल्स कहीं पर भी कास्ट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन जो है बहुत सुंदर लगता है। आप देखेंगे तो ये डायमंड कट बनता है और ओवरऑल स्वेटर पे ये चलता है। पूरी स्वेटर पे आप इसका पैटर्न डाल सकते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है। मल्टीपल कास्ट करेंगे हम 12 स्टिचेस का, प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस हम रखेंगे फ्रेंड्स, जो कि एज स्टिचेस हमारे रहेंगे। तो ये बॉर्डर जो है मैंने इस पे बनाया है और पहले भी सिखाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न का डिज़ाइन। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 26 स्टिचेस लिए हैं, 12 + 12 + 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस मैंने ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है अभी हम रो 1 स्टार्ट करेंगे। टोटल ये 20 रोज तक जाएगा पूरा बॉक्स बनाने के लिए। बहुत ही ईजी और सिंपल है, आप रो 1 से फॉलो करेंगे तो आपको ईजीली आ जाएगा। तो रो 1 में देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे जो सीधा होता है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा, ये एक फंदा उल्टा, 2, 3 और ये 4, 4 फंदे उल्टे बना लिए। अब धागा दूसरी तरफ, अब यहाँ पर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे फ्रेंड्स और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2, 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप, ये रिपीट पैटर्न चलेगा 12 फंदों का। 4 फंदे उल्टे ले लेंगे हम, 4 फंदे सीधे और 4 फंदे फिर से उल्टे। तो ये रिपीट हम पूरी रो में करेंगे, आगे आपने जितने भी फंदे डाले हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे हो गए उल्टे। धागा दूसरी तरफ, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे और आखिरी का एज स्टिच जो रहता है इसे धागा दूसरी तरफ करके सीधा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रो 1 कंप्लीट होती है राइट साइड पे। अब आती है रॉन्ग साइड, रो नंबर 2। तो फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड पे जो है हमने पर्ल ऑल स्टिचेस करने हैं, यानी कि सारे स्टिचेस उल्टे ही बनाने हैं। ये हर रॉन्ग साइड पे रहेगा, पैटर्न सिर्फ राइट साइड पे डलेगा और रॉन्ग साइड हमने पूरी की पूरी पर्ल डाउन करनी है, यानी कि पूरी उल्टी बनाकर ख़त्म कर लेनी है। तो मैं उल्टी आपको नहीं दिखाऊँगी, आप अपने आप फिनिश कर लीजिए। अब यहाँ पर आती है राइट साइड वापस, राइट साइड रो नंबर 3। रो 2 हमने पूरा उल्टा बना लिया है, अब रो 3 आती है। तो देखिए, पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं। पहले 4 बनाए थे, अब 3 फंदे उल्टे बनेंगे हमारे। ये देखिए, 3 फंदे उल्टे हो गए। अब धागा दूसरी तरफ घुमाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो 2 फंदे सीधे हैं इन्हें हमने ट्विस्ट करके इस तरफ लाना है और एक फंदा पीछे कर देना है, ये उल्टे वाला। तो इन दोनों फंदों को सिलाई में हम आगे की तरफ से ले लेंगे, सिलाई को पीछे करेंगे और ये जो आगे फंदा है उल्टा, इसको पीछे स्लिप करेंगे इस तरह से। फिर ये 2 फंदे सीधे हमारे आगे आ गए। अब जो सीधे फंदे, इनको हम सीधा ही बना लेंगे। ये 2 फंदे सीधे थे तो इनको सीधा बना लिया। अभी जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा ही बनाना है। ये हमने पर्ल डाउन किया, उल्टा बनाया, इसे निट नहीं किया। अब ये 2 फंदे सीधे दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन अब यहाँ पे पीछे की तरफ से आगे आएगा फंदा जो उल्टा है। देखिए, ऐसे कर लेंगे और ये 2 फंदे पहले हमने पीछे शिफ्ट कर लिए और ये उल्टा वाला आगे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस उल्टे फंदे को तो उल्टा ही बनाएंगे। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे और ये जो 2 फंदे सीधे हैं ना, सीधा ही बना लेंगे। अब शुरू में जैसे मैं 3 फंदे बनाए थे उल्टे, अब फिर हम 3 फंदे उल्टे यहाँ पर बनाएंगे। ये 3 फंदे उल्टे हो गए। तो ये रिपीट पैटर्न चलेगा। एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे बीच में, फिर 2 सीधे और 3 उल्टे। यही रिपीट पैटर्न हमने पूरी रो में कर लेना है। तो आप अपने पूरी रो में ये फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, 4th फंदे को पीछे शिफ्ट करेंगे, 2 सीधे फंदे आगे की तरफ से आगे लेंगे और ये जो उल्टा फंदा है इसे पीछे की तरफ से शिफ्ट करेंगे। पहले ये आगे आगे, अब इन दोनों को सीधा बना लिया।
और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा ही बना लिया ऐसे। अब जो दो सीधे फंदे हैं, अब देखिए ऐसे करेंगे, दो सीधे फंदे शिफ्ट पीछे और उल्टा फंदा आगे, उल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे हो गए। अब आखिरी के तो तीन फंदे हैं ये उल्टे ही बनेंगे, सिमेट्रिकल रहेगा। स्टार्टिंग में तीन उल्टे आएंगे तो यहाँ पे भी वही आएंगे, पर एज स्टिच सीधा ही हम बना लेंगे। तो कुछ ऐसा आपको ये भी दिखेगा, रो फोर रॉन्ग साइड। जैसे कि मैंने बताया है रॉन्ग साइड पे कोई भी पैटर्न नहीं डलेगा, सिर्फ हम इसे पर्ल डाउन करेंगे, यानी कि उल्टा उल्टा बनाकर फिनिश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अपनी रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बना लीजिए। अब रॉन्ग साइड बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा पैटर्न। अब आती है फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट रो, रो नंबर 5। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ। यहाँ पे हमने तीन लिए थे पहले उल्टे, अब हम दो ही लेंगे, ये एक और ये दो। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद आगा दूसरी तरफ, जस्ट सेक केयरफुली कीजिएगा इस तरह से। अब इस फंदे को पीछे और पीछे वाले आगे, ये दोनों सीधे फंदे आगे ले लेंगे और जो उल्टा फंदा है उसे पीछे ले लेंगे, पीछे की ही तरफ से ऐसे, और पीछे वाली सिलाई में शिफ्ट करके ये दोनों फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बना लिया। अब यहाँ पर जो बीच में आप देखेंगे पहले के जो हमने दो फंदे लिए वो भी उल्टे बन गए, अब ये तीन उल्टे हो गए। अब एक और शिफ्ट कर लेंगे, इसको पीछे से लाएंगे और सीधे फंदे आगे की तरफ से पीछे गए और पीछे की तरफ से उल्टा फंदा आगे आ गया। अब उल्टा फंदा उल्टा ही बना लिया, ठीक है, धागा दूसरी तरफ, सीधे फंदे सीधे बन गए। अब इसके बाद फ्रेंड्स दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे जैसे शुरू में बनाए थे, तो ये 12 फंदों का रिपीट पूरी फ्रो में चलेगा। दो उल्टे दो सीधे, बीच में चार उल्टे फंदे हो गए और दो सीधे फिर, और आखिरी में दो उल्टे। तो जल्दी से पूरी रो में ही कर लीजिए। देखिए फिर दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, उल्टा फंदा पीछे शिफ्ट होगा ऐसे, दोनों सीधे फंदे आगे आ गए और ये उल्टा फंदा पीछे चला गया पीछे की तरफ से इस तरह से। और जो दो उल्टे हैं इन्हें सिलाई में शिफ्ट करेंगे और इन्हें सीधा बनाएंगे। अभी सीधे फंदों को, सीधे फंदे सीधे ही रहेंगे, उल्टे फंदे उल्टे ही रहेंगे, आपने ये ध्यान रखना है। अब यहाँ बीच में भी चार फंदे उल्टे हो जाएंगे, तीन तो ये हो गए, चौथा फंदा ये वाला शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे दो सीधे फंदे आगे की तरफ से और उल्टे फंदे को उल्टा बना लिया, धागा दूसरी तरफ, दो सीधे और आखिरी में दो फंदे उल्टे और आखिरी का एज स्टिच सीधा ले लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी रो फिनिश होती है कुछ इस तरह से। रॉन्ग साइड रो 6, पर्ल ऑल द स्टिचेस, यानी कि सारे स्टिचेस को आपने उल्टा बनाकर फिनिश कर लेना है। अब आती है राइट साइड रो नंबर 7। तो रो नंबर 7 पे फ्रेंड्स आप देखेंगे, अब एक फंदा तो हम स्लिप करेंगे शुरू का। अब यहाँ पर दो फंदे थे उल्टे, अब एक ही फंदा उल्टा बनेगा, अब ये एक तो शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसको फिर हम शिफ्ट करेंगे सीधे फंदे आगे की तरफ से आगे लेते हुए और उल्टा फंदा पीछे की तरफ से पीछे जाएगा, दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और ये पांच हो गया। छठा फंदा अब हम शिफ्ट करेंगे, तो पीछे से लेंगे उल्टे फंदे को और सीधे फंदे आगे की तरफ से पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, ये दोनों शिफ्ट और ये आगे आ गया, और इसे भी उल्टा बना लेंगे, ठीक है, और ये दोनों सीधे फंदे सीधे बना लिए, आखिरी में एक फंदा उल्टा बनेगा। यही रिपीट पैटर्न चलेगा 12 फंदों का फ्रेंड्स, एक उल्टा दो सीधे, बीच में 8 फंदे हमारे आ गए आपके उल्टे, फिर दो सीधे और एक उल्टा।
फिर फॉलो करेंगे सेम पैटर्न पूरी रो में फ्रेंड्स। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊँगी ये वाला स्टेप, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ही फॉलो करेंगे वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा अदरवाइज, तो आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं। तो ये बन गया, हमने जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ डिब्बी का वही पूरे में डलेगा। रॉन्ग साइड आ जाती है 8, तो रो नंबर 8 पे हमने पर्ल ऑल स्टिचेस कर लेने हैं, यानी कि सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। सारे फंदे उल्टे बना लीजिए, रो नंबर 9 राइट साइड, डिज़ाइन सिर्फ राइट साइड डलेगा, जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ राइट साइड में है, रॉन्ग साइड पे नहीं दे रही हूँ मैं इस पैटर्न को सिंपल और इजी बनाने के लिए। तो पहला फंदा स्लिप, अब एक ही फंदा है उल्टा, तो यहाँ पे भी हम उल्टा नहीं बनाएंगे, पहले स्लिप कर लेंगे, ये दोनों फंदे आगे कर लेंगे राइट सीधे वाले, और उल्टा फंदा पीछे की तरफ से पीछे, दोनों सीधे फंदे आगे आ गए। अब इन दोनों को तो हमने सीधा ही बनाना है, ठीक है, ये दोनों फंदे सीधे बना लेंगे हम यहाँ पे, एक और ये दो, जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा ही बनाएंगे, बीच के उल्टे फंदे हैं, देखिए ये एक फंदा, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, सात उल्टे हो गए, अभी आठवां बीच में आएगा, ये दो सीधे पीछे शिफ्ट होंगे आगे की तरफ से और उल्टा फंदा आगे आ गया, अब ये आठ फंदे हो गए हमारे उल्टे और ये दो फंदे सीधे बना लिए। तो चार ये ही रिपीट पैटर्न आगे फॉलो करेंगे, दो सीधा, आठ फंदे उल्टे बीच में और आखिरी के दो सीधे, ये रिपीट पूरी रो में कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हम इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। अब आती है रो नंबर 10, यानी कि रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड पे हमने पर्ल ही करने हैं सारे स्टिचेस, यानी कि सारी रो हमने उल्टी बनाकर फिनिश कर लेनी है फ्रेंड्स। तो आइए इसे फिनिश कर लेते हैं। तो ये देखिए आफ्टर रो 10 कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो ये एक तरह से एक हाफ हमारा बनकर रेडी है, नीचे वाला सेक्शन बन गया है, ऊपर वाला बनाना है हमें, ठीक है। ये देखिए ये हाफ हमारा बनकर रेडी है, 10 लाइंस हो गई पूरी, तो ये हाफ हो गया, 20 हमारा टोटल है। अब ऊपर की 10 रोज हमने निट करनी है, थोड़ा सा चेंज रहेगा ऊपर के लिए, नीचे से हम ऐसे वाइड वी की तरह बना रहे हैं, ऊपर से हम उसे क्लोज करेंगे। तो रो नंबर 11 राइट साइड, पहले स्टिच को हमने स्लिप किया, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो दो सीधे फंदे हैं ने अभी सीधे बनेंगे, ये हमारी जैसे मैं रो 1 किया था ना उसी तरह से है, दो सीधे बीच में एक दो तीन और ये चार, ये हाफ आ गया फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे चार फंदे बीच के, आठ फंदे हमने उल्टे बना लिए, जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टे बनाए, जो सीधे हैं सीधे बनाए, ये चार फंदे सीधे दिखेंगे इकट्ठे तो इन्हें सीधा बनाएंगे। ये वैसे पूरा रिपीट आप करेंगे फॉलो, चार फंदे सीधे आ गए फिर उल्टे फंदे उल्टे बना लिए, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको ईजी रहेगा, इस रो में रो 11 में जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टे बनाएंगे, जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा ही बनाएंगे, कुछ भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे अभी, और एज स्टिच सीधा ही है। तो ये हमारी रो 11 फिनिश होती है। अब आती है रो नंबर 12 रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में हमने पर्ल ही करने हैं सारे स्टिचेस, बिना मतलब इनको हमने उल्टा ही बनाकर फिनिश कर लेना है। अब आती है फ्रेंड्स रो नंबर हमारी 13, ठीक है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब यहाँ पे शिफ्टिंग का काम शुरू होता है, तो ये जो दो फंदे सीधे अभी हमें पीछे की तरफ को लेके जाना है, तो पहले हम क्या करेंगे उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे पीछे की तरफ से, ये उल्टा आगे आ गया, सीधे फंदे पीछे चले गए और पीछे से ये आगे ले लिया, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा ही बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा ही बनाएंगे, ये रिपीट रखेंगे, ये उल्टा आ गया एक, अब धागा दूसरी तरफ करके ये दोनों सीधे बनाएंगे। अब बीच के फंदे उल्टे बनाने हमें यहाँ पे कितने, 6 फंदे, एक दो तीन
चार, पांच और ये छः, छः फंदे उल्टे हो गए। अब ये वाला जो फंदा उल्टा है इसे हमने शिफ्ट करना है, तो अब क्या करेंगे, पीछे वाले दो सीधे फंदे आगे लेकर आएंगे आगे की तरफ से ही, और उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से पीछे शिफ्ट कर लिया, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे यहाँ पे, एक और ये दो सीधे और ये एक फंदा उल्टा। तो ये 12 फंदों का रिपीट हम आगे पूरी रो में फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही करना है, एक बार देख लीजिए, पीछे वाला फंदा आगे लेकर आना है उल्टा, पीछे की तरफ से ही दो सीधे फंदे पीछे गए, ये उल्टा फंदा आ गया। अब इसको हमने उल्टा ही बनाना है, धागा इधर कर लेंगे और इसे उल्टा बना के धागा वापस उस तरफ, दो सीधे हो गए। तो ये कुछ ऐसे बन के आपको दिखाई देगा। शुरू से देखेंगे तो एक स्लिप, एक उल्टा फंदा आ गया, दो सीधे आ गए, बीच में हमारे छह फंदे उल्टे, दो सीधे आ गए, फिर एक उल्टा आ गया, तो यही रिपीट रहेगा। अब यहाँ पर हमने देखिए एक उल्टा ये दो सीधे कर लिए हैं, तो बीच में छह फंदे उल्टे बना लेते हैं, दो तीन चार पाँच और ये छः। अब ये वाला फंदा शिफ्ट होगा, दो सीधे फंदे आगे आगे, उल्टा फंदा पीछे चला गया पीछे की तरफ से ही, ये दोनों आगे आगे। अब इन दोनों को सीधा बनाएंगे हम, ये दो सीधे फंदे सीधे हो गए, अब एक फंदा उल्टा हो गया और एज स्टिच हमारा सीधा हो गया। तो ऐसे ही आपने अपनी पूरी रो फिनिश कर लेनी है। अब आती है रॉन्ग साइड, रो नंबर 14, यहाँ पर हमने सारे फंदे उल्टे बनाकर ख़त्म करने हैं, पर्ल डाउन ऑल द स्टिचेस फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा पैटर्न अच्छा लग रहा हो। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आगे क्या करना है देखिए, रो नंबर 15, पहला फंदा स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा जो उल्टा है इसे उल्टा ही ले लेते हैं, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ, दो सीधे हैं ना जो, अब ये पीछे जाएंगे, तो जो उल्टा फंदा है उसे आगे लेकर आएंगे पीछे की तरफ से, ये आगे आ गया, ये दो उल्टे फंदे सीधे फंदे पीछे गए। अब ये जो उल्टा फंदा आगे आया है इसे भी हम उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा नेट कर लिया, अब दो फंदे सीधे, अब बीच में चार फंदे हमारे उल्टे आएंगे, देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे उल्टे हो गए। अभी जो फंदा है इसे शिफ्ट करेंगे, दो सीधे आगे लेकर आने हैं, एक उल्टा पीछे लेके जाना है पीछे की तरफ से, दोनों सीधे आगे आ गए, इन दोनों को सीधा बना लिया, दो सीधे फंदे धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा हो गया, बीच के जो और उल्टे थे बाकी वो भी हमने उल्टे बनाने हैं। तो ये रिपीट चलेगा, एक फंदा स्लिप, दो उल्टे, दो सीधे, बीच के फंदे उल्टे, फिर दो सीधे और दो उल्टे, ये 12 फंदों का पैटर्न आप पूरी रो में फॉलो करेंगे। देखिए एक फंदा उल्टा, अब एक फंदा हम यहाँ पे स्लिप करेंगे शिफ्ट करेंगे, दो सीधे फंदे पीछे गए, एक उल्टा फंदा आगे आया, इसे उल्टा बना लेते हैं, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, सीधे फंदे सीधे ही हैं, धागा अपनी तरफ, यहाँ पे उल्टे फंदे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे उल्टे, ये पांचवा फंदा पीछे जाएगा, तो इसको अब हम शिफ्ट कर लेंगे, दो सीधे जो फंदे हैं इन्हें आगे लाएंगे और उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से पीछे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब दो फंदे जो सीधे हैं इन्हें सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा उल्टा हो गया और ये दो उल्टे आ गए अब इधर, और आखिरी का स्टिच सीधा। तो आपने ऐसे ही अपनी पूरी रो फिनिश करनी है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लोजर होने लगा है ऑलमोस्ट। तो रो नंबर 16, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं रो नंबर 16 में। अब आती है राइट साइड फ्रेंड्स हमारी, तो अब आती है हमारी रो नंबर 17, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब यहाँ पर दो फंदे उल्टे हैं, उल्टे बना लेंगे, एक दो, तीसरा उल्टा फंदा शिफ्ट होकर आएगा,
दो सीधे हैं, इसके पीछे से उल्टे वाले को आगे लाएंगे और दो सीधों को पीछे कर लेंगे। ये दो पीछे गए, ये उल्टा आगे आ गया, उल्टे फंदे को उल्टा बना लिया, दो सीधों को सीधा बना लिया। तो सेम ही है, बस थोड़ा शिफ्टिंग का है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल है, बाकी सेम ही पैटर्न चल रहा है वैसे शुरू से। अब तीन उल्टे दो सीधे हो गए, बीच में दो ही फंदे बचेंगे अब उल्टे, और ये जो तीसरा फंदा यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। दो सीधे आगे आ गए और उल्टा फंदा पीछे की तरफ से ही पीछे शिफ्ट होगा। दो सीधे आगे आगे, अब इन दोनों सीधों को सीधा बना लिया, दो सीधे धागा अपने तरफ, एक उल्टा, ये दो तीन। अब ये देखिए यही पैटर्न फॉलो करेंगे, तीन फंदे उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, तीन उल्टे, इसी तरह का आपका आना चाहिए आगे पूरी रो में भी। यहाँ पे दो फंदे उल्टे, अब एक उल्टा और शिफ्ट होगा इधर, तभी तीन होंगे। तो इसे पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और आगे वाले सीधे फंदे पीछे गए, उल्टे वाले को उल्टा बना लिया, दो सीधे, बीच में दो फंदे उल्टे, और आखिरी के यहाँ पर भी शिफ्टिंग कर लेंगे, इस फंदे को पीछे ले जाएंगे उल्टे वाले को, और दो सीधे आगे, दो सीधे आगे बनाकर सीधे बन गए, और ये उल्टे फंदे यहाँ पर एक दो और तीन उल्टे हो गए अब, और आखिरी का स्टिच सीधा। तो ऐसे ही आपने अपनी पूरी रो फिनिश कर लेनी है फ्रेंड्स। अब आती है रो नंबर 18, पर्ल ऑल द स्टिचेस, यानी कि सारे स्टिचेस उल्टे बना लेंगे हम रो 18। सारी रॉन्ग साइड्स हमारी सेम ही चल रही हैं, तो कुछ ऐसा आपको ये भी दिखेगा। अब आती है रो 19, यहाँ पर एक फंदा हो गया स्लिप, फिर तीन फंदे जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा ही बना लेते हैं। अब एक और फंदा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो चौथा फंदा आएगा इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे पीछे से उल्टे फंदे को आगे, और दो सीधे पीछे गए, उल्टा फंदा आगे आ गया, अब इसको यहाँ पर उल्टा ही बना लेंगे। ये चार फंदे हो गए यहाँ उल्टे, अब दो फंदे सीधे आ गए हमारे, अब बीच में कोई भी उल्टा नहीं बचेगा फ्रेंड्स, ये उल्टा भी शिफ्ट होगा, दो सीधे आगे आएंगे और ये एक फंदा पीछे जाएगा जो कि उल्टा है ऐसे। अब पहले सीधे फंदे निट होंगे, ये दोनों सीधे निट बना लिए हमने, ये देखिए, और अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर चार फंदे उल्टे आ गए, एक दो तीन और ये चार। तो यही रिपीट पैटर्न चलेगा, ये हम बेसिक रो वन थे वहीं पर आ गए एक तरह से, चार फंदे उल्टे चार सीधे चार उल्टे, ये रिपीट चलेगा। फिर यहाँ पे तीन फंदे जो ये हैं उल्टे बन गए, चौथा फंदा यहाँ पे ऐड होगा, पीछे से आगे आएगा, इस उल्टे फंदे को आगे शिफ्ट कर लेंगे, दो सीधे पीछे चले गए, उल्टा फंदा उल्टा बना लिया, और जो दो सीधे हैं धागा दूसरी तरफ करके दो सीधे बन गए। अब बीच में जो एक उल्टा बचता है ये पीछे शिफ्ट होगा, दो सीधे फंदे आगे आ गए, उल्टा फंदा पीछे गया, ये दोनों सीधे फंदे सीधे बन गए, दो सीधे, और यहाँ पर अब चार फंदे उल्टे आएंगे, एक दो तीन और ये चार, और एज स्टिच हमारा सीधा आ जाएगा। तो ये हमारी रो 19 कंप्लीट होती है, हमारी ऐसे आपको दिखाई देगा बॉक्स। अब आते हैं रॉन्ग साइड, रो नंबर 20, पर्ल ऑल दी स्टिचेस, यानी कि सारे स्टिचेस हमने उल्टे बना लेने हैं, उल्टा ही सबको बनाकर फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये कंप्लीट है अब रो 1 to 20 का, आप रिपीट फॉलो करेंगे आगे के पैटर्न के लिए, ठीक है। ये बहुत सुंदर दिखता है, कार्डिगन स्वेटर शॉल्स आप किसी में भी डालिए, रॉन्ग साइड बहुत सिंपल रहती है इसकी। तो इसी तरह का पैटर्न्स फ्रेंड्स डालने के लिए मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के और नए पैटर्न्स के आइडियाज़ मिलते रहें। यहाँ पर ये मेरा एक स्वेटर का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये डल रहा है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा बहुत सारे रिपीट्स के बाद। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, राइट साइड में सब्सक्रिप्शन का बटन है नीचे देखिए, उसे क्लिक ज़रूर कीजिए ऐसे फैंसी और इजी पैटर्न्स निटिंग के सीखने के लिए। आई होप यू लाइक माई पैटर्न फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।